तो यार बस खड़ा हुआ हूँ फिलहाल, अभी तक बस आई नहीं है, वो सामने से नजर आ रही है, अभी मेट्रो शायद आ रही है। रश है आज, बहुत रश है। बालों की ये ऐसी हालत हुई हुई है कि उधर जाके मुझे कहीं वापस ना भेज दो। आज जो है 23 जून है, इसका मतलब आज मेरी बर्थडे है और मैं जो है इस तरह से जो है कुछ ख्वार हो रहा हूँ। तो यार इंटरव्यू था, हो गया, अच्छा हो गया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो जब बात आई पैसे देने पर तो वो कहते हैं कि जो है आप ऐसा कह रहे हैं कि हम आपको ट्रेवल अलाउंस नहीं देते, तो आप रिमोट जॉब कर लें, कोई मसला नहीं, बस पैसों की बात ना करें। तो अभी फिलहाल आई एम नॉट श्योर कि आई विल कंटिन्यू विद देम और नॉट, बट राइट नाउ फिलहाल घर पहुंचना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरी हालत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी गर्मी है, और मरदान में और भी ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ इस्लामाबाद में मौसम बस वहाँ से बेहतर है, लेकिन बहुत गर्मी है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मौसम अच्छा है। अच्छा पता है यार, ऐसा सीन होता है ना कि जब बंदा कुछ प्लान करता है ना, उस प्लान पर कभी उतर नहीं सकता इंसान। इस बार मेरा प्लान था कि मेरी बर्थडे वैसे मेरी छुट्टियों में आ रही है, तो मैं घर जाऊँगा और घर जाके जो है मैं मतलब थोड़ा सेलिब्रेशन का सीन करूँगा मामा पापा के साथ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन इधर आना भी जरूरी था और अच्छा है कि काम भी हो गया है। गाड़ी में बैठ जाता, लेकिन मैंने कहा वॉक कर लूंगा, लग रहा था बहुत थोड़ा रास्ता है, लेकिन इतना भी थोड़ा नहीं है जितना थोड़ा लग रहा। यार मेरी हालत को लेके ना बिल्कुल माइंड नहीं करना, मुझे पता है मेरे बालों की बुरी हालत हुई है, और ये पता है सबसे बड़ा GPO है ये GPO। मुझे याद आ गया जब इधर ISSB के लिए दौड़ रहा था। अच्छा यार अभी मैं आपको घर जाके जो है एक विश बताता हूँ, बड़ी क्यूट सी जो मुझे रिसीव हुई है, किसकी है और वो जो है वो कैसी है वो आपको घर जाके मैं बताता हूँ। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, वो मेन पार्ट है वीडियो का। अच्छा ये मेन पार्ट नहीं है। अच्छा तो फाइनली हम लोग जो है वो मेट्रो स्टेशन पहुँच जाए, बस अब ऊपर जाना है। तो यार फाइनली वापसी पे जो है मुझे जो है वो ऐसी के पास जगह मिली है, बस सीट अच्छी होगी, बस गैग पहुँचते हैं। ये लास्ट पे मैं बैठा हूँ, सबसे लास्ट अच्छा यार पहुंच आया हूँ मैं यहाँ चांदनी चौक स्टेशन है ये, और यहाँ से अब जो है हमें गाड़ी मिल जाएगी जो कि सीधा हमें घर भेजे। यार हवा चल रही है शुक्र है, उससे मौसम थोड़ा अच्छा हो गया। मौसम तो ऐसे ही अच्छा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सुकून मिल रहा है कि हाँ कुछ है। यार ये मैं सुजुकी में बैठा हूँ, ठीक है, इतनी ख्वारी हो रही है क्या बताऊँ, गर्मी है ऊपर से ख्वारी, इंजॉइंग माय बर्थडे यू नो। अच्छा तो गाइस आज जो है वो नेक्स्ट डे बेसिकली, और कल ऐसा था यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, काफ़ी रात हो गई थी, फिर मैं सो गया। अच्छा तो यार दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड मोमेंट, क्योंकि इसका मैं खुद बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा था। अच्छा कल मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी और जो मुझे रिसीव हुई थी, यार मतलब आप सबकी विशेज, मतलब जितनों ने मुझे विश किया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, और सबकी विशेज बहुत ज़्यादा स्पेशल थी फॉर मी, और मैं अलग इतना बिजी भी था, बट थैंक यू सो मच यू ऑल स्पेशल। जो सबसे क्यूट विश थी ना, सबकी अच्छी विशेज, मतलब किसी की मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी नहीं थी, सब ने बहुत इंटरेस्टिंग विशेज की, बट यार मानी ने जो विश की ना यार बस दिल जीत लिया। अच्छा मैंने देखी नहीं अभी तक, लेकिन मुझे पता है कि यार देर इज समथिंग लाइक डिफरेंट। अच्छा तो इधर जी आप देख सकते हैं भाई साहब को इनके लगा के बैठा हुआ है, और जिस तरह के पता नहीं क्या करने वाला है वो है, क्या यूट्यूबर है क्या नाम उसका, वो इनके लगा के बिल्कुल उसकी तरह लगे रहिए, भूल गया नाम यार सुनिए तो चले देखते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि अपने भाई की कैन बी अ गुड कॉमेडियन, अच्छा पर उसको कैसे इंप्रेस किया जाता है। इंप्रेस कर रहा है मुनीब एंड जानजी। मुनीब एंड जानजी, एक्चुअली ये कॉल मेरे छोटे भाई मुझे जानजी कहते हैं और मेरा नाम मुनीब ऑफ कोर्स, तो दोनों बोलने की क्या जरूरत थी भाई, एक बोल देता काम चल जाता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
थैंक यू। आपको मुनीब एंड जान जी, आपकी बर्थडे बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद। आपने बहुत ही ज्यादा हिम्मत से काम किया, किस बात में भाई, बहुत जज्बा दिखाया और अपने लाइफ के 21 साल मुकम्मल कर दिए। और इतना आसान नहीं है भाई, मैं कोई 21 साल का नहीं हूँ, अभी तो मैं 20 का भी हूँ, आई एम 19। ये लाइफ के 21 साल मुकम्मल करना, जैसा कि आप देखें कि 50-50 साल के लोग भी आप जैसे नहीं। क्या मतलब मेरे जैसे? तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा मैंने अपने भाई को कैसे इम्प्रेस किया है, और कुछ ही देर में इसके रिजल्ट्स आपके सामने। हाँ भाई, आई एम इम्प्रेस। अच्छा, इससे भी ज़्यादा जो दूसरा क्लिप है उसमें जो है मानी हुए सॉन्ग सुना है, और यार आई होप कि बहुत मज़े का सॉन्ग होगा, बहुत प्यारी आवाज़ है, चले सुन रहे हैं। और ये भी वो यार कैमरा एंगल तुम्हें ठीक कर लेता भाई। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां एक साज है, तुम सुन कोई लाओ जरा, खामोशियां आवाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां। यार मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैंने खुद ही पकड़ा रखा है, इधर कोई सीन नहीं है तो क्लैप्स हो गए जबरदस्त। और ये था, अच्छा तो ऐसे गुजरिए जाए गाइस मेरी बर्थडे दिस टाइम। और हालांकि मैंने प्लान किया था, मैंने आपको बताया कि प्लान था मेरा कि घर पे जो है फुल सीन करूंगा इस बार, और मतलब सेलिब्रेशन वगैरह बाबा मामा के साथ होगी, और होती तो ऑफ कोर्स ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, लेकिन काम थे कुछ ऐसे कि जो करने लाजमी थे तो किए, और इस तरह की कुछ विशेज ने जो है दे रियली रियली मैड माई डे यार, बहुत खुशी हुई। और दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, आई होप यू लाइक द ब्लॉग, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू बेटर नो यार व्हाट टू डू, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। और अभी तक 30% to 40% व्यूअर्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार वी आर लाइक अबाउट टू टच 300 यार, जल्दी जल्दी कर। ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम। Let's be alone, so why don't we stay out to the morning light, 'cause you're